कॉलीफ्लावर, गाजर, ग्रीन मटर एंड दो तीन पोटैटोज मैंने पीलन कट करके लिए। आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग लें। मैंने दो मीडियम साइज ओनियन कट करके रखे हैं, एक ओनियन मैं बाद में कट करूँगी तड़के के लिए। दो मीडियम साइज रेड टोमेटोज मैंने कट करके लिए, साथ में हरा धनिया, जिंजर, गार्लिक एंड तीन चार ग्रीन चिलीज यहाँ पर मैंने लिए। ये मैंने यहाँ पे मिक्स मसाला लिया है, इसमें गरम मसाला एंड गुड़ा मसाला मिक्स किया है, आप कौन सा भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ये तीखा रेड चिली पाउडर है, आप चाहे तो कश्मीरी रेड चिली ले सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। सब्जियों को मैंने वॉश एंड कट करके पहले ही रखा था, तो सब्जियों को हम लोग थोड़ा सा प्रेशर कुक कर लेते हैं। सब्जियों को मैंने कुकर में डाल लिया है, सब्जियाँ हमारी फ्रेश है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डालेंगे, करीबन आधा कप पानी डाल के इसको थोड़ा प्रेशर कुक करेंगे। ये जो सब्जियाँ हम लोगों ने यहाँ पे ली है सब फ्रेश है, इसी सीज़न में ये सब्जी आती है, जिस सीज़न में जो सब्जी आती है उसी सीज़न में खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और सब्जी भी टेस्टी बनती है। प्रेशर कुकर को हम लोग एक विसल आने के बाद बंद कर देंगे, गैस हम लोग हाई फ्लेम पर रख देते हैं। सब्जियाँ हमारे प्रेशर कुक होने तक हम लोग इन सब इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बना लेते हैं, कच्चा ही पेस्ट हम लोग बनाएंगे। होटल या ढाबे पे जो पेस्ट बनाते हैं वो सब कच्ची चीज़ों का ही बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सब चीज़ें भून के पेस्ट बनाएं, तभी इनका स्वाद अच्छा आता है। जो होटल में हम लोग सब्जियाँ खाते हैं वो कच्चे ग्रेवी से ही वो लोग सब्जियाँ बनाते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर कच्ची चीज़ें ही सब पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट के लिए क्वान्टिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले। थोड़े से टोमेटोज मैंने रखे हैं साइड में, पेस्ट मैंने थोड़ा सा बना लिया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट बना लिया था। प्रेशर कुकर को मैंने 10 मिनट ठंडा होने दिया एक विसल आने के बाद, तो आइए चेक करते हैं। सब्जियाँ हमारी सब पक चुकी है, इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, फिर भी सब्जी एकदम सॉफ्ट सी पक चुकी है। इसे 10 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते, थोड़ी सी भाप निकलने देते, तब तक हम हमारे ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए कढ़ाई गर्म करने रखी है, इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। आप चाहे तो कौन सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं और ऑयल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तेल हम लोग 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करते हैं, जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 तेजपत्ता ऐड करते हैं, तेजपत्ते को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, साथ में इसमें हम लोग ओनियन डाल देते हैं। ओनियन को हम लोगों को अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, बाद में इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, नमक से थोड़ा सा ओनियन हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3-4 करी लीव्स भी ऐड किए, आपको पसंद है तो करी लीव डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, बाकी का नमक हम लोग बाद में डालेंगे, नमक से हमारा पेस्ट थोड़ा सा जल्दी से पक जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। पेस्ट हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे। तेल में टर्मरिक पाउडर डालने से फ्राई करने से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है, फ्लेवर आता है, आप चाहे तो इसे बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे येलो शिमला मिर्च डालूँगी, स्टार्टिंग में मैंने शिमला मिर्च आपको दिखाई नहीं थी बट मैंने कट करके ली थी, आप चाहे तो कौन से भी कलर की शिमला मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और साथ में डालते हैं रेड चिली पाउडर। मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लें, आपको जितना स्पाइसीनेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप मसाले यूज़ करें। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। ये सब्जी मैं घर के लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च या कोई कलर यूज़ नहीं किया है। होटल में जो सब्जियाँ बनती है या ढाबे पर जो सब्जियाँ बनती है उसमें वो लोग कलर ऐड करते हैं या बहुत सारे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बचे हुए टोमेटोज डाल दिए, टोमेटोज को हमें 1 मिनट के लिए पकने देना है, थोड़े से सॉफ्ट होने देना है। अब हम इसमें अपना बना हुआ पेस्ट ऐड करते हैं। पेस्ट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप पेस्ट लें, बाकी का बचा हुआ पेस्ट आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले और पेस्ट एक कलर में हो जाए, मिक्स हो जाए।
अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जब तक हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है, कम ऑयल में भी हम लोग हेल्दी सब्जियाँ बना सकते हैं। अब हम इसमें हमारे कुक की हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। अब हम इसमें बचा हुआ नमक डाल देते हैं। ओनियन फ्राई करते समय हम लोगों ने थोड़ा सा नमक यूज़ किया था, तो उसी को ध्यान रखते हुए आप नमक डालें। हम सब इंग्रेडिएंट्स को अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पकी है, हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर लेते हैं, सब्जी को थोड़ा सा पकने देते हैं। सब्जियाँ ऑलरेडी हमारी पक चुकी है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आप देख सकते हैं बॉयल आ गया, ग्रेवी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी बना सकते हैं। सब्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट पक चुकी है और बहुत ही अच्छा स्मेल आया है। जो कच्चे मसाले हम लोगों ने डाले थे उसकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सब्जी हमारी रेडी है, तो आइए चलिए सब्जी को हम लोग निकाल लेते हैं बाउल में। आप देख सकते हैं कम तेल में और कम मसालों में मैंने बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई है। इसका स्मेल भी बहुत ही फ्रेश आ रहा है, क्योंकि हाँ सब चीज़ें हम लोगों ने फ्रेश ही यहाँ पे ली थी, एकदम परफेक्ट पकी है। हम लोग इसे थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं हरे धनिया के साथ। हमारी बनाई हुई मिक्स वेजिटेबल रेडी है खाने के लिए। आप इसे रोटी, चपाती, नान या जीरा राइस या नॉर्मल राइस के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। धन्यवाद।